नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर एक बहुत सुंदर वीडियो। और ये वीडियो है गौर यमुना सिटी का लैंडस्केप, सीनरी और सड़कें और पेड़ पौधे, पार्क, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। साथ में दिखाएंगे आपको एक विला की विजिट, 264 स्क्वायर यार्ड के विला की विजिट, और बताएंगे आपको डिफरेंट प्लॉट्स के बारे में, उनके साइजेस के बारे में और गौर यमुना सिटी के बारे में भी काफ़ी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, समय को बचाने के लिए हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। ये अभी हम पार्क का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, गौर यमुना सिटी का बहुत स्पेशल है ये पार्क। इसमें बत्तखें भी आपको दिखाई देंगी, मछलियाँ भी दिखाई देंगी, और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है। तो दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए जो हम दिखाएंगे उससे अलग भी हम आपको जानकारी हमेशा की तरह देते रहेंगे। आज हम बताएंगे क्या क्या प्लॉट्स के ऑप्शंस हैं इसमें, क्या क्या उनकी प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान्स हैं और कैसे आप इनको ले सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, एक विला की विजिट भी आपको कराएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गौर यमुना सिटी के बारे में बता देता हूँ। ये गौर यमुना सिटी आपका यमुना एक्सप्रेस वे पर, जब हम परी चौक से अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर जाएं तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका लोकेटेड है। लेकिन क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पर कोई रेड लाइट नहीं है तो हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं गौर यमुना सिटी पहुँचने में। इसको यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि डेवलपमेंट इसकी पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर बहुत फास्ट है। ये आप देख रहे हैं, लगभग रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, विला तैयार हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुके हैं, अपने आप में कम्प्लीट शहर है, सभी कुछ है, स्कूल है, वो स्कूल ऑपरेशनल हो गया है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप इस सिटी के अंदर आ जाते हैं तो लगभग एक अपने आप में मिनी शहर है। 250 एकड़ में फैला हुआ है तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 250 एकड़ मतलब ये हो गया कि जैसे 4 से 5 सेक्टर्स को मिला दिया हो, तो उतना एरिया आप देख रहे हैं ऊपर से ये गौर यमुना सिटी। और वेरी वेल मेंटेन्ड है, जगह जगह आपको यहाँ पे माली दिखाई देंगे जो पेड़ों को मेंटेन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी आपको दिखाई देंगे जो रोड्स की मेंटेनेंस करते हैं, साथ में गार्ड्स जगह जगह आपको दिखाई देंगे जो सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट रखा गया है। जैसे ही आप यमुना सिटी के अंदर घुसते हैं तो गार्ड आपको चेक करते हैं, आपसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ है इसके अंदर। जो इस रीजन के अंदर एक मेन कंसर्न सिक्योरिटी का काफ़ी लोगों को रहता है, तो ये अपने आप में कंप्लीट सिटी है। इसके अंदर स्कूल हैं, जो गौर का अपना एक स्कूल है वो ऑपरेशनल हो चुका है, इसके अंदर हॉस्पिटल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारी शॉप्स ऑपरेशनल हो गई हैं, और काफ़ी सारे विला और अपार्टमेंट्स में भी लोग रहना शुरू कर दिए हैं। तो रहने के लिए एक बहुत बढ़िया एरिया है, चौड़ी सड़कें हैं, बहुत जेंट्री बहुत बढ़िया है इसके अंदर। तो अगर आपका यहाँ पे प्लॉट लेने का मन है तो प्लॉट्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं। जो प्लॉट का साइज़ आपका शुरू होता है वो 91 स्क्वायर मीटर से, लगभग 105 स्क्वायर यार्ड से आपका प्लॉट साइज शुरू होता है, और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं। 121 स्क्वायर यार्ड भी है आपका, फिर इसमें 145 स्क्वायर यार्ड, 153 स्क्वायर यार्ड, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं, सारे नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन 264 स्क्वायर यार्ड तक आपके जो साइजेस हैं प्लॉट्स के वो वैरी करते हैं। ये एक हमने बहुत सुंदर आपको विला दिखा रहे हैं, इसके अंदर का इंटीरियर भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपका सपना है ऐसा ही विला लेने का या बनाने का, तो वो सपना बिल्कुल सच हो सकता है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप बना बनाया विला ले लें गौर से, और या फिर आप अपना प्लॉट लें और सेम डिज़ाइन किसी बिल्डर को, आर्किटेक्ट को देकर बिल्कुल सिमिलर विला भी आप बनवा सकते हैं। तो आप अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं प्लॉट के ऊपर में, और सिमिलर भी बना सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। तो ये जो खूबसूरत विला का सपना है आपका पूरा हो सकता है अगर आप इंडिपेंडेंट प्लॉट ले लेते हैं। अगर आप बना बनाया विला ले लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया होगा इसके अंदर। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो इस विला के इंटीरियर्स की इंटीरियर को कवर कर रहे हैं। आप इसकी सुंदरता देखते रहिएगा, अंदर से इसमें स्पेस कितना है वो भी देखते रहिएगा,
मैं आपको जो प्राइसिंग है गौर यमुना सिटी में उसके ऊपर भी बताता रहूँगा, साथ में विला के अंदर भी थोड़ा थोड़ा आपको ये बताता रहूँगा। ये लिविंग रूम है दोस्तों विला के अंदर का। तो मैंने आपको गौर यमुना सिटी के बारे में बताया है, और यहाँ पे जो अभी प्लॉट्स के ऑप्शंस जो लॉन्च हुए हैं उसमें आपके प्लॉट जो स्टार्ट होते हैं लगभग 105 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है जो आपका लगभग 35 लाख से स्टार्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं वो एक्चुअल में 164 स्क्वायर यार्ड का लॉन्च किया गया है, जो एक्चुअल में 105 स्क्वायर यार्ड कारपेट एरिया होता है, तो सुपर एरिया उसका 164 स्क्वायर यार्ड रखा गया है। लगभग 35 लाख का ये प्लॉट है। इसमें 164 स्क्वायर यार्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ सुपर एरिया, क्योंकि 35% जो एरिया है वो इसमें पार्कों में, रोड्स में, और जो हमारा कम्युनिटी हॉल है या ओपन स्पेस है उसमें रखा गया है। तो दोस्तों मैं सुपर एरिया की बात करूं तो आज जो हमारे पास ऑप्शन है आज सेल के, क्योंकि काफ़ी सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, लेकिन अभी ये नए प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं उसमें 164 स्क्वायर यार्ड और 224 स्क्वायर यार्ड दो साइज़ हैं। 164 स्क्वायर यार्ड आपका 35 लाख का पड़ता है, और जो 224 स्क्वायर यार्ड है वो लगभग 48 लाख का पड़ता है। तो अगर आप पूरे सिटी को देखें और सारी फैसिलिटीज़ को देखें तो आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि आपका प्लॉट एक बहुत सुंदर जगह होना चाहिए और एक बढ़िया जगह होना चाहिए। तो आपके पास आज की डेट में ये ऑप्शन है कि आप इनको परचेज कर सकें, और बहुत ही आप आसानी से इनको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेमेंट प्लान्स भी रखे गए हैं। ये हम बैकयार्ड दिखा रहे हैं, तो अभी हम प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। आपको हमने बेडरूम दिखाया ऊपर, और ये बैकयार्ड दिखाया है। इस विला के अंदर दोस्तों 3 फ्लोर के साथ टेरेस भी बना हुआ है, और ये बेडरूम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको ऊपर भी ले चलेंगे। तो मैं अभी आपको स्टेयर से ऊपर ले चलूँगा। ये ग्राउंड फ्लोर का हमने आपको दृश्य दिखाया था दोस्तों। तो हम अभी प्राइसिंग की बात कर रहे थे आपसे, प्राइसिंग की बात कर रहे थे और पेमेंट प्लान की हम आपसे बात कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पेमेंट प्लान सबसे जो पहला पेमेंट प्लान है वो डाउन पेमेंट का पेमेंट प्लान है। ये जो डिज़ाइन दिखाया गया है वो नीचे का किचन है, साथ में स्टोर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों एक जो डाउन पेमेंट का जो प्लान है उसके अंदर आपको 20% तो बुकिंग अमाउंट देना होता है, और बाकी का जो आप 45 डेज के अंदर आपको सारा कंप्लीट करना होता है। दूसरा पेमेंट प्लान आपका 50-50 है, जो आप 12 मंथ्स के अंदर आप दे सकते हैं। जो 50% है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में और बाकी 12 मंथ्स के अंदर। ऐसे ही एक पेमेंट प्लान आपका 20-80 है। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो फुल कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक नंबर हमने इसमें दिया गया है हमारे एसोसिएट का, तो आप उनको कांटेक्ट कर कर पूरी जानकारी डिटेल में, जहाँ साइट विजिट का भी अरेंजमेंट किया गया है, अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको साइट विजिट भी मिल जाएगी। और हमेशा एक बंदा साइट पे रहता है, आपको सिर्फ गौर यमुना सिटी पहुंचना है, तो कोऑर्डिनेट आप कर सकते हैं। आपको डिटेल्ड सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्ट कॉपी भी, और वैसे जो इनके ब्रोशर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो दिए गए नंबर पे आप अपने प्राइस से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड और डिटेल्ड, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत छोटा वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती है। फिर वैसे भी ये वीडियो आपको व्यू दिखाने के लिए है, विला का किस टाइप का विला है, क्या हमारा पूरा गौर यमुना सिटी है। जैसे हमने दिखाया पार्क है इसमें, स्कूल्स हैं, रोड है, वो सब हमने इसमें दिखाया, और आपको ये व्यू दिखा रहे हैं विला का, बहुत ही शानदार। अभी हम जो फर्स्ट फ्लोर पर आपको लेकर आ गए हैं, और हम ऊपर भी चलेंगे, 3rd फ्लोर पर भी चलेंगे। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने मेल आईडी पर सारी सॉफ्ट कॉपी मंगवा भी सकते हैं, प्राइस लिस्ट वगैरह, और साइट विजिट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे आपको हम पेमेंट प्लान के ऊपर बता रहे थे, तो इसमें एक और पेमेंट प्लान हमारा बढ़िया आता है, जो तीसरे नंबर का पेमेंट प्लान है वो 20-80 आता है।
20-80 में आपका 20% पहले देना होता है और 80% आपका 12 महीने के अंदर देना होता है। एक और बहुत बढ़िया पेमेंट प्लान मुझे लगा वो था कि 20% की 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं 6-6 मंथ्स पर। तो ये जो है दोस्तों 2 साल का पेमेंट प्लान है, एक आपको इनिशियल देनी होती है, दूसरी 6 महीने बाद, तीसरी 12 महीने बाद, और फिर चौथी आपकी जो है 18 महीने बाद, और पांचवी इंस्टॉलमेंट आपकी 24 मंथ्स के बाद देनी होती है। तो ये 4 पेमेंट प्लान हैं। जो चौथा वाला था वो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा, काफ़ी लोगों के लिए एक साथ पैसा अगर नहीं पॉसिबल होता है तो वो फोर्थ वाले पेमेंट प्लान के अंदर जा सकते हैं। और जैसे आपको प्राइजिंग में डिस्काउंट चाहिए तो डाउन पेमेंट प्लान, क्योंकि आपको प्राइस तो देना ही है 3 महीने में या 6 महीने में या 2 साल के अंदर, तो क्यों ना आप उस पे अपना बहुत सारी सेविंग कर लें। तो डाउन पेमेंट पेमेंट प्लान भी बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर आपको जो प्राइस लगता है वो लगभग आपका 21,500 के करीब उसमें प्राइस बैठता है। तो दोस्तों 2 ऑप्शन हमने बताए हैं, एक तो 105 स्क्वायर यार्ड जो कारपेट एरिया है, जो एक्चुअल में जो सेलेबल एरिया है वो 164 स्क्वायर यार्ड, या सुपर एरिया भी बोल सकते हैं, 164 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट आपको 35 लाख का पड़ता है। एक और जो है साइज अभी सेल के लिए अवेलेबल है वो 145 स्क्वायर यार्ड का है, 48 लैक्स का, जिसका सुपर एरिया बैठता है 224 स्क्वायर यार्ड। तो दोस्तों ये वाला आप क्वेरी कर सकते हैं, और ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास, ये आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं विला के इंटीरियर्स, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर्स हैं ये। मैं प्राइसिंग के बारे में भी पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, बाकी आप कांटेक्ट करके आप बिल्कुल स्पेसिफिक प्राइस ले सकते हैं। कोई डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट के लिए भी आप उनसे क्वेरी क्वेरी कर सकते हैं, मेरी नॉलेज में डिस्काउंट प्राइसिंग के ऊपर हमेशा रहता है। तो और हाँ, ये प्राइस क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद देखेंगे तब तक प्राइस ये चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ये वीडियो आज हम लॉन्च कर रहे हैं सितंबर 2020 के अंदर, और ये जो प्राइसिंग है ये कुछ ही दिनों तक अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को आप बाद में देखते हैं और प्राइसिंग चेंज, ये देखिए दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमने बालकनी से बनाया है, जिसके अंदर आप बहुत ही खूबसूरत रोड, पार्क, ये जो सामने लेक लेक व्यू है वो आ रहा है, ये लेक व्यू विला का हमने वीडियो कैप्चर किया है, बहुत ही शानदार व्यू था। तो मैं प्राइसिंग के बारे में आपको जानकारी दे रहा था थोड़ी सी। तो दोस्तों जो प्राइसिंग का है वो हमारा डाउन पेमेंट में हमारा 21,500 है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा प्लान आता है 12 महीने का 50-50, उसमें लगभग 22,000 का प्राइस आता है। फिर एक और प्लान आता है 20-80, जिसमें आपका 22,700 के लगभग का प्राइस है। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर। तो बहुत ही शानदार इसके अंदर ये सैंपल विला बनाया गया है, आप बिल्कुल सेम भी अपना ऐसा डिज़ाइन करवा सकते हैं, तो आपको प्लॉट प्लॉट लेकर उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। ये देखिए ऊपर टेरेस है और ये ग्लास से कवर किया गया है, टेरेस पर ये बच्चों के झूले रखे गए हैं, और बहुत ही शानदार व्यू ऊपर से आता है, हमने व्यूज भी कवर किए हैं। ये ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट है और ये आपका लेक व्यू विला है, बहुत ही शानदार। दोस्तों मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बता रहा था। जो एक और हमारा प्लान है, जो फोर्थ प्लान हम बता रहे थे, जिसके अंदर 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं 20-20% की, उसमें जो आपका प्राइसिंग आज की डेट में है वो 24,500 है। तो आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसको लेना चाहते हैं और आप जो पेमेंट प्लान आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, प्राइस अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास एकदम से पैसे नहीं हैं तो आप दूसरे तीसरे पेमेंट प्लान में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हम आपको दिखा रहे हैं विला, और हम आपको अभी इसमें एक और खास जानकारी देंगे। नॉर्मली हम जब प्लॉट लेते हैं तो हमारे पास जो डायमेंशंस होते हैं वो उनमें ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, तो इसमें जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जैसे कि हमारा जो सबसे पहले नंबर पे जो
आता है लगभग 105 स्क्वायर यार्ड का। उसमें रेक्टेंगुलर डायमेंशन ज़्यादा रेक्टेंगुलर है, 7x13 का लगभग है, 109 स्क्वायर यार्ड में जो आता है 7x13 का है। और एक और हमारा है जिसमें 121 स्क्वायर यार्ड वाला, उसमें 7x14.5 का डायमेंशन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दो ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल हैं उनमें नहीं, लेकिन टोटल गौर यमुना सिटी में जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं उनके डायमेंशंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक हमारा आता है जो 145 स्क्वायर यार्ड है, वो 8x15 का है, वो जो लगभग उसका रेशियो है 121 मीटर में है वो, तो 8 मीटर जो है फ्रंट है और 15 मीटर जो उसकी डेप्थ है। ऐसे ही जो मैंने 109 स्क्वायर यार्ड बताया था, वो 91 स्क्वायर मीटर का टोटल एरिया होता है, तो 7x13 का उसका जो वो एरिया है। तो दोस्तों विला क्या हम बता रहे हैं, और डायमेंशंस भी इसी तरह, मतलब दो वैरायटी में डायमेंशन है। एक जैसे 13x17 मीटर का जो है, 264 स्क्वायर यार्ड का जो अभी हम विला आपको दिखा रहे हैं, तो ये 13x17 जो है एक ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर। ऐसे ही एक और हमारा जब आता है जिसमें डबल साइज़ का डिफरेंस है, तो वो ज़्यादा रेक्टेंगुलर होता है। जैसे 7x14.5 का जो विला है 101 मीटर का, वो काफ़ी रेक्टेंगुलर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको थोड़ा स्क्वायर शेप में चाहिए या फिर आपको रेक्टेंगुलर, सारा शेप, सारे ही रेक्टेंगुलर होंगे, क्योंकि जो फ्रंट है सभी का कम होता है, ये डेप्थ जो होती है वो गहरी होती है। लेकिन आपके पास गौर यमुना सिटी में इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों ये हमने आज का वीडियो दिखाने की कोशिश की, और ऐसे ऐसे वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पर रेगुलरली, बहुत ही हॉट प्रॉपर्टीज़ के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डिसीजन लेने वाले हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और हमारे चैनल के पेज पर जाकर आप YouTube में जहां हमारा नाम लिखा है जी आर नोएडा प्रॉपर्टी, अगर उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस हमने पास्ट में अपलोड किए हैं, और फ्यूचर में भी हम अपलोड करते हैं करेंगे। ऑलमोस्ट हर महीने हम कोशिश करते हैं, हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि एक वीडियो अपलोड हो। तो कभी कभी हफ्ते के अंदर 2 या 3 वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं हॉट प्रॉपर्टीज़ के। और ये हमारा एरिया स्पेसिफिक है गौतम बुद्ध नगर, यमुना एक्सप्रेस वे, हमारा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसको नोएडा एक्सटेंशन बोलते हैं, और नोएडा, और हमारी पूरी टीम है जो हम रीसेल का हम काम करते हैं, और लगभग 10 वर्षों से हम इसमें हैं। फ्रेश बुकिंग्स का भी हम देखते हैं, तो ये जो है आपकी बुकिंग्स गौर बिल्डर के साथ ही आपकी यहाँ पे ये बुकिंग्स होगी अगर आप बुक कराएंगे तो। और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो यहीं पर आप जो है साइट विजिट, प्राइस लिस्ट, सभी चीज़ों का आपका ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप थैंक यू भी बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।